चलिए। नहीं ठीक है, तो अभी तक तो यही बताया भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होने वाले नेक्सस को, इनके बीच की रिश्तेदारी गठजोड़ को देखेंगे। अब सबसे पहला टर्म जो हमारे लिए आ रहा है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला टर्म देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स अच्छे से बता देना। फ्लक्स बताते हैं, अभी देख लो फ्लक्स क्या होता है। बच्चों यहाँ पे पूछा है अनुराग ने कि फ्लक्स क्या होता है। भाई फ्लक्स मतलब होती हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, लाइंस ऑफ फोर्सेस, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिक हों या मैग्नेटिक हों, ये तो आप स्वादानुसार जोड़ लें जैसा पूछा गया। चाहे इलेक्ट्रिक पूछी गई या मैग्नेटिक पूछी गई, लाइंस ऑफ फोर्सेस। कैसी लाइंस? जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर निकले। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास कोई सरफेस है, ये मान लो कोई आपके पास डिस्क है हाथ में, ये थाली लिए हुए हो हाथ में, समझ गए ना। अब इस थाली में ये लाइंस निकल रही हैं, अब फील करो कि क्या ये लाइंस सरफेस के, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। बिल्कुल निकल रही हैं। तो अगर ये लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलरली निकल रही हैं तो इनको हम फ्लक्स मानेंगे। अब बोलोगे सर हाँ, बस अगर परपेंडिकुलरली निकलेंगी तो इसको हम फ्लक्स मानेंगे। अब बोलेंगे सर कौन सा फ्लक्स मानेंगे? तो अगर नीचे प्लस की प्लेट लगा रखी है तो ये इलेक्ट्रिक है, और अगर नीचे नॉर्थ पोल रख रखा है तो ये मैग्नेटिक है, क्योंकि नॉर्थ पोल तो फिर ऐसा देगा, फ्लक्स देगा। तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस। अरे यार वो छोड़ो, भावनाओं पे मत जाओ, बस समझो कि ये देगा कैसे, समझ गए ना। ये ले भाई ऐसा रख दिया, रेडियल नॉर्थ रख दिया, ऐसा देगा कि नहीं देगा? देगा ना, अभी उस पर आएंगे हम कि वो अगर टेढ़ी होगी तो क्या होगा। तो ये जो है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो परपेंडिकुलरली निकलेगी बच्चों, उनको हम फ्लक्स कहेंगे। अब स्वादानुसार अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर प्लस माइनस का सिस्टम चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नॉर्थ और साउथ का सिस्टम चल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो हंशिका जय, समझ में आया कि नहीं आया फ्लक्स का मतलब? यस सर। ओके, अब ये समझो बच्चों कि सर अभी तो आपने बता दिया कि ये लाइंस ऐसी निकलेंगी, ये लाइंस ऐसी निकलेंगी। सर हमें ये बताओ कि ये लाइंस ऐसी ना निकली तो देखो याद करो 11th क्लास की फिजिक्स, ये एक ब्लॉक रखा रहता था, मैंने कहा इस ब्लॉक को ऊपर खींचो, तुमने फोर्स लगा दिया पूरा 5 न्यूटन का खींचने में। मैंने पूछा ऊपर खींचने में कितना फोर्स लगा, तो तुम बोलोगे सर 5 न्यूटन। अब मैंने कहा सिचुएशन नंबर टू, फोर्स यहाँ पे लगाया वर्टिकल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। मैंने बोला बताओ ऊपर खींचने के लिए तुमने कितना फोर्स लगाया, बताओ 5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 5। तुमने ऊपर खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया? बिल्कुल गलत। अरे 5 का फोर्स ऊपर, पहले देखो पहले तो पूरा 5 यहाँ लगा रहे थे, इस बार 5 इधर लगा रहे हो, तो 5 का कंपोनेंट टूटेगा ना। बिल्कुल सही, 5 का कंपोनेंट टूटेगा, जय ने बताया 5 cos θ। बिल्कुल सही, तो अब जो कंपोनेंटल फोर्स लगा है वो लगा है 5 cos θ जो ऊपर लिफ्ट करेगा, और एक कंपोनेंट इधर लगेगा 5 sin θ जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देगा। पहले वाले में कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लग रहा था, केवल ऊपर ही ऊपर लग रहा था, बट इसमें यहाँ पे कंपोनेंट टूट रहा 5 cos θ, समझ में आया ना। तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। अब आइए इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, इस लॉजिक का, आइए देखिए। ये आपके पास वही डिस्क है, ये डिस्क का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, कृष्ण भगवान की उंगली चक्कर घूमता है जिसपे, समझ गया ना। अब एक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आई जो कि ये चली गई करते हैं। अब ये इस पर फुल परपेंडिकुलर तो नहीं है, है ना। ये जो लाइने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल बोलोगे तो ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे तो बी वेक्टर। अब बोलोगे सर ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ से ये देखिए। तो अब बताओ मुझे कि इस पॉइंट से जो इफेक्टिव फील्ड जाएगा वो क्या होगा, ई होगा, इसके जो नॉर्मल जाएगा जो फ्लक्स काउंट होगा वो क्या होगा, बोलो। ये तो ई होगा सर। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ फ्लक्स में कौन सा आएगा, ई पूरा आएगा कि ई कॉस थीटा आएगा? बिल्कुल सही, तो फ्लक्स में पूरा आएगा क्या, मॉड ई कॉस थीटा आएगा, और बी की बात करोगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। एक पॉइंट से ई कॉस थीटा जाएगा या बी कॉस थीटा जाएगा, समझ में आया। तो
इससे कितना जाएगा, ई कॉस थीटा या बी कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट। बोलो जय, क्लियर हो गया? अगर आपका फ्लक्स परपेंडिकुलर ना हो, एकदम ऐसे ना निकले, तो या तो आपको ई कॉस थीटा लेना पड़ेगा या आपको बी कॉस थीटा लेना पड़ेगा, है ना। और अगर पूरा का पूरा परपेंडिकुलर निकल रहा तो बहुत अच्छी बात है, फिर पूरा का पूरा फील्ड आपका फ्लक्स बन जाएगा, फिर पूरा का पूरा जोन है जो आपका वो फ्लक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? बट यदि इस तरीके से निकल रहा है तो आप देखिए कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ दो, क्या टूट गया, बी कॉस थीटा, तो ये एज अ फ्लक्स काउंट होगा। चलो हंसिका, अगला सवाल। ये रखा हुआ है आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट आपकी घर की जमीन पे, समझ गया ना? क्लियर हो गया हंसिका? आर यू देयर इन द क्लास? यस सर, यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर से एक नॉर्थ पोल ऐसे है फ्लैट उसी जमीन में इधर से, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। चलिए बताइए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? डिग्री, डिग्री में फ्लक्स नापोगे, बताइए कितना फ्लक्स जाएगा? बताओ जल्दी बेटा, जल्दी बताओ कितना फ्लक्स जाएगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, चलो बी कॉस थीटा कर लिया, तो बता दो इस बार थीटा कितनी डिग्री है? 90। वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई। ये शीट है, शीट का नॉर्मल तो ऊपर की तरफ होगा जहां आपकी कुर्सी के पाए रखे हुए हैं, उसी डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, और फील्ड ये भाग रहा है बिल्कुल जमीन को छू करके, तो एंगल कितने डिग्री हो गया यहाँ, 90। सो बी कॉस 90। हाँ आर्यन, तुमने बिल्कुल सही बोला था। हाँ सर, हमने यही कहा था, कॉस 90 जीरो होता है इसलिए जीरो। बिल्कुल सही कहा भाई, भले हमने इतना आइडिया नहीं लगाया मगर हमने ये जान लिया कि सर सारा फ्लक्स तो छू के निकल रहा है, कोई पेनेट्रेट करके तो निकल नहीं रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। हाँ, लेट के निकल रहा है, बट लॉजिकली ये जो आपने बताया हंसिका बिल्कुल सही है सर। बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, समझ गए ना, जीरो हो जाएगा। समझ में आया जय? क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। स्लाइड ओपन हो जाओ। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िए हंसिका, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। अंडरलाइन करिए, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। अब डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दो, मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो। हाँ पढ़िए, इट कैन ऑल्सो It can also be defined as the product of the area of the surface and the component of the magnetic field normal to that surface. Okay, ये कह रहा है it can also be defined as the product of the area to the surface and component of magnetic field normal to the surface. अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए magnetic flux क्या है, ये जो line लिखी है वो मैं बता देता हूँ इसको। देखो ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे अपन, ये जो अगली लाइन कही इसको समझिए। आपने देखा अभी कि ये देखा आपने कि अगर ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन को बोलते हैं बेटा एन कैप, और मैंने बोला अगर इस पॉइंट से कोई वेक्टर सीधा ना जा करके हल्का सा एंगल बना के जा रहा है, तो आप जो इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, ये बी वेक्टर है बेटा, तो B का कंपोनेंट जो आपने तोड़ा वो क्या टूटा, थीटा की डायरेक्शन में, B cos थीटा। बहुत अच्छे से ध्यान देना, B cos थीटा। तो बच्चों एक पॉइंट से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हुआ, B cos थीटा। अब टोटल एरिया अगर इसका A है, अगर टोटल एरिया इसका A है तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू एक पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स कितना है, बी कॉस थीटा, और टोटल एरिया से, भैया इसी को क्या कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि अगर हर जगह ऐसे निकल रहे होंगे, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह नॉर्मल बनाओगे ऊपर कंपोनेंट तोड़ोगे, हर जगह नॉर्मल बनाओगे फिर कंपोनेंट तोड़ोगे, हर जगह बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा आएगा, तो कितने सारे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया. सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया. समझ में आ गया, एरिया ए रहेगा. बोलो बच्चों, क्लियर है कि नॉट क्लियर? वो तो बी कॉस रहेगा, अगर फ्लक्स एक जैसे ही जा रहा है ना, तो कंपोनेंट तो बी कॉस थीटा ही टूटेगा, और अब पूरे एरिया से निकलने वाला क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए. तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए. ओके, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू, ये क्या है देखना ध्यान से भाई, बी कॉस थीटा, तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दोनों के ऊपर मॉड नहीं लगा, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड है. अब चमत्कारिक रूप से वेक्टर का चमत्कार देखो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैं मॉड बी मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैं मॉड ए मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, और ये कॉस थीटा. चलो एलेवेंथ क्लास याद करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हुआ करता था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता था. तो यहाँ पे अगर मैं कॉस को एलिमिनेट कर लूँगा तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, नोट कर लो ये डॉट प्रोडक्ट है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. बच्चों क्रॉस क्यों आएगा यार, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है यार, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है ना, लिखो साइन में क्रॉस आता है, अभी पढ़े आई एल वी साइन थीटा. चलो नोट करो बच्चों, वो अलग चीज है, वहाँ पे वो डाइपोल थ्योरी चलती है, वहाँ पे डिवाइड थ्योरी चलती है, चलो ठीक है. हाँ उसका अलग है, लिखो टोटल फ्लक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए. तो टोटल फ्लक्स बस ऐसे ऐसे ही लिख लो, हेडिंग घर पे डाल देना, टोटल फ्लक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यार. अभी आप लोग जब खुद से नोट्स बनाओगे तो हेडिंग डाल के अच्छे से बनाना, अभी तो ऐसे ही रेफर जस्ट फ्रॉम, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ही चलेगा इसमें अभी. तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए, क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स है बी कॉस थीटा, तो सारे एरिया से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी कॉस थीटा इनटू ए, दिस इज फाई टोटल. तो इसको बी को अलग लिख लिया, ए को साइड में कर लिया, कॉस थीटा साइड में जान दिया, बी को लिख सकता हूँ मॉड बी, ए को लिख सकता हूँ मॉड ए, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर वेक्टर ना लगा हो मॉड ही तो है, तो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, आंसर फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो ये जो डेफिनेशन नंबर दो आई है अपने पास, वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो डेफिनेशन नंबर दो है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ो इस लाइन को, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस. जी हाँ, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस क्या हो गया, बी कॉस थीटा इंटू एरिया कंपोनेंट क्या हो गया, ए. भाई नॉर्मल कंपोनेंट यही तो हुआ बी कॉस थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई ए. तो फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई बी कॉस थीटा इंटू ए. यस, तो यहाँ पे लिख लीजिए फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, बी डॉट ए, वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए, वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए. चलो नोट कर लिया, ओके 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 ठीक है. अब एक चीज और सीखिए बच्चों, एक चीज और सीखिए, ये हमारे पास कोई सरफेस है बड़ी सी जिसका एरिया अभी एस था, तो मैंने टोटल फ्लक्स आपको बताया था फाइ इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, फाइ इज इक्वल टू मैंने बोल दिया था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. अब इस सरफेस में, अच्छे समझना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इस सरफेस में अगर मैंने ये पूरा एरिया ए था, ठीक है मैं खुश हूँ इस एरिया की वजह से, ये एरिया ए है और इसके अंदर एक छोटा सा एरिया मैंने ले लिया डी एस. भाई सरफेस को एस बोलते हैं तो छोटी सी सरफेस क्या हो जाएगी, डी एस. इस छोटा सा एरिया है, अगर इसमें इसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा, मगर इसके अंदर भी जो लाइन आ रही है वो इस तरीके से आके चली गई वेक्टर बी, तो फिर इसका आप नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, एंगल ये थीटा है. तो देखिए अब मैं बोलूँगा इसका फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, डी फाई,
छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स, पूरे का निकालना है, तो छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू, छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट एरिया। तो वेक्टर बी डॉट एरिया इस बार क्या आएगा बच्चों, डी एस वैक्टर, क्योंकि छोटा सा एरिया क्या है, डी एस वैक्टर, तो डी फाई हो गया बी डॉट डी एस वैक्टर। तो टोटल नेट फ्लक्स निकालने के लिए डी फाई का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। छोटे से एरिया का क्या कर दो, बड़े एरिया में जाने के लिए इंटीग्रेशन। सो बच्चों नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। बच्चों नोट कर लीजिए एक और फार्मूला, वेरिएबल फॉर्म में फ्लक्स का फार्मूला इंटीग्रेट करके निकलेगा, बहुत ज़बरदस्त काम आएगा, बहुत ज़्यादा जगह काम आएगा। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस का इंटीग्रल, ये नोट कर लो। डी फाई की वैल्यू डायरेक्ट, डी फाई का इंटीग्रेट कर दिया, फाई हो गया, डी फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी, हाँ बी डॉट डी एस। बोलो क्लियर? ठीक है बच्चों, सो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस, ये हो गया। ओके ठीक है ना, अब इसको मतलब मेन फॉर्मूला यही है बी डॉट डी एस, फ्लक्स निकालने का मेन फॉर्मूला आपको यही लगेगा बी डॉट डी एस, ठीक है ना। अब चलो थोड़ी सी बुक वाली बातें हो जाएं, बुक में जो दिखाया जाता है थोड़ी सी डिफिकल्ट बातें। क्या पढ़ा, नेट फ्लक्स इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा ये एक्चुअली अपन जो फ्लक्स को काउंट करते हैं पूरे बाउंडेड सरफेस में काउंट करते हैं, मतलब ऐसा समझो कि जैसे ये अपना ये सरफेस है कोई, तो ये सरफेस है तो मतलब समझो कि पूरा बाउंडेड, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे इसके ऊपर तुम फ्लक्स निकालोगे, एक एक पॉइंट के ऊपर हाथ लगा करके अपना हाथ यहाँ से यहाँ ले आओ, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड। जब पूरा आप सरफेस करते हो, यहाँ पे कई लोग आपको ये लगा देते हैं, तो ये निशान का मतलब होता है बाउंडेड। और घबराने की बात नहीं, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ रखा है, याद कर लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, यकीनन आप भूल चुके होंगे, फाई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, याद करिए। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था किसके इक्वल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ये। बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल, बाउंडेड का मतलब क्लोज, समझ गए ना। हाँ जैसे वो खली चेहरे को नहीं पकड़ता है, चारों तरफ से पैक कर लेता है, कहीं से छूट ना पाए, हर सरफेस को टच कर देता है, ऐसे ही आपको सरफेस को हर जगह टच करके जाना, उसको बोलते हैं बाउंडेड इंटीग्रल। तो बच्चों ये बाउंडेड इंटीग्रल, इसलिए फाई लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो मैं तुम्हारे नंबर नहीं काटने वाला हूँ, लगा दो तो अच्छी बात है, इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये हो गया फाई। अब देखो बच्चों फ्लक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस को ओपन करो, मॉड बी मॉड डी एस कॉस थीटा, आ गई थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोग कॉस थीटा का बिहेवियर देखिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर एक्यूट एंगल है थीटा, अगर एक्यूट एंगल है मतलब थीटा अगर 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, तो आपका जो फ्लक्स आएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, मतलब उस समय आपका जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरा अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो बच्चों ये बात समझ में आई पहली वाली, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा पॉजिटिव। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। ओके सेकंड केस, थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना होता है 0, जैसे अभी का केस बताया था आपने, वही अंशिका ने बताया था कि सर ये लाइंस तो ऐसी जा रही हैं और आपका थीटा ऊपर भग रहा है नॉर्मल, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स बराबर आँख मूंद करके कितना 0। तीसरा केस, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे कि रूल क्या चलता है, ए एस टी सी, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं और ये साइन का घर होता है, इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है बट जो कॉस होता है वो नेगेटिव हुआ करता है, तो यहाँ पर कॉस के नेगेटिव होने की वजह से, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है मतलब इसमें जो फ्लक्स आएगा आपका वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर? तो फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा। हाँ उतनी मैथ तो सबको बताई जाती है उसमें एलेवेंथ में भी। चलिए हाँ हाँ चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं, आज ये फ्लक्स तक ही अपन ख़त्म कर पाएंगे। ओके यस, तो ये डेफिनेशन मैंने बता दी, देन इसके बाद अब ये देखिए डायग्राम, वही डायग्राम है।
अब देखिए एक शीट ऐसी रखी हुई है, थोड़ा सा हाथ को फ्लैट करो, हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कर लो हल्का सा, तो इसका नॉर्मल कहाँ भागेगा, ये देखो आगे की तरफ, हाथ को हल्का सा सीधा बिल्कुल फ्लैट नहीं रखना, हल्का सा मोड़ दो, तो नॉर्मल देखो ऊपर की तरफ भागा, ये इसका एन कैप है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया बी, तो बी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ तोड़ो, वही फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, क्या हो गया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा होगा फ्लक्स, तो देखो भैया छोटा सा नॉर्मल एन कैप है, नॉर्मल एन कैप है, एन कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटा वही होगा फ्लक्स, दैट विल बी बी कॉस थीटा, ठीक है ना, और बी कॉस थीटा की वजह से जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा डी फाई, क्या बताया अभी मैं बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, तो बी डॉट डी एस वैक्टर, डी एस का वैक्टर लिख दिया, डी एस वैक्टर एन कैप है, फालतू कोई मतलब का नहीं है, अपन को तो डी एस लेना है, चलिए तो मैंने बताया डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस तोड़ दिया, क्या होगा ए डॉट बी से, ए बी कॉस फाई कॉस थीटा सॉरी, तो बी डी एस कॉस थीटा, दोनों को मर्ज करके लिख देंगे फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, टोटल फ्लक्स, अगर छोटे से एरिया का फ्लक्स है डी फाई तो पूरे का क्या होगा फाई, और फाई इज इक्वल टू बी इंटू टोटल एरिया ए, पहले छोटा एरिया था तो कितना था डी एस था, अब बड़ा एरिया वो इंटीग्रेट कर दिया तो बी इंटू ए, हाँ ओपन कर दो, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, पॉजिटिव फ्लक्स पढ़ा दिया मैंने, जब थीटा की वैल्यू जीरो से लेके 90 डिग्री, जीरो फ्लक्स जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड नेगेटिव फ्लक्स जब थीटा की वैल्यू 90 से लेके 270 के बीच में, आप सीधे याद रखो ग्रेटर देन 90 और कुछ नहीं। चलिए फ्लक्स मिनिमम कब होगा जिस समय, सॉरी फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा जिस समय एंगल जीरो डिग्री होगा, और मिनिमम कब होगा जिस समय एंगल 90 डिग्री होगा, जीरो डिग्री में भाई साहब जीरो डिग्री का एंगल का मतलब क्या होगा पैरेलल, मतलब नॉर्मल के पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल, नॉर्मल की डायरेक्शन में, तभी तो होगा मैक्सिमम फ्लक्स। चलिए देखिए, हाँ पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बताते हैं अभी, कोशिश करो आप समझने की जीरो डिग्री कहाँ जाएगा। चलो बच्चों बताओ, हंसिका यश जय बताइए, कोई दिक्कत इस पूरी शीट में? नो सर। ठीक है तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, है ना, और अब देख लीजिए इनका डाउट देख लेते हैं कि सर जीरो डिग्री पे मैक्सिमम क्यों होता है फ्लक्स, भाई 90 डिग्री पे मिनिमम होता है, जीरो डिग्री पे मैक्सिमम होगा, क्यों होगा ये देख लो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है, अब देखो जीरो पे मैक्सिमम क्यों होगा, ये हमारे पास शीट है, ये इसका नॉर्मल है, अगर ऐसे फ्लक्स जा रहा था तो एंगल कितना कंट्रीब्यूट हो रहा था एन कैप के साथ 90, कम करो और कम और कम और कम और कम, ऊपर ही चढ़ गया इसके, तभी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, अगर उसको नीचे नीचे करके उसके ऊपर चढ़ा दे तो नॉर्मल के कैसे चढ़ा दोगे, ये देखिए तो इस समय नॉर्मल भी यहाँ है और इस समय फील्ड भी यहाँ है, तो नॉर्मल और फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा कितने डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा, तभी तो हमें इस फोर्स को कंट्रीब्यूट पूरा पूरा कर रहे हैं, वही सिचुएशन हो गई कि हम पूरा का पूरा 5 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा रहे थे, तो पूरा कंट्रीब्यूट होगा ना, ना 5 cos थीटा बनेगा ना 5 sin थीटा बनेगा, पूरा का पूरा फोर्स बनेगा, समझ में आ गया, चलें कोई दिक्कत, हाँ बच्चों नो सर अच्छे से समझ में आया कि उड़ गया चैप्टर, सच सच बताओ क्यों अंशिका, सर आ गया, चलो ठीक है तो इसको नोट्स बना करके अभी भेज देना, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।